गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी सेवन्थ यूनिट चल रही थी, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फंडामेंटल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ी थी। आज हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती है जो लाइट वेव्स की होती है, बिकॉज द लाइट वेव्स इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। या हम उसकी स्पेशल जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सब की बात करेंगे। तो कल हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर नेचर की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर नेचर क्यों है? क्योंकि इनमें जो वाइब्रेशन है, मीडियम का जो वाइब्रेशन है, वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बना रहता है। इस टाइप की सभी वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है। क्या देखा था हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपोगेशन डायरेक्शन आपके एक्स एक्सिस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जितने भी वाइब्रेशन है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वाइब्रेशन है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन डायरेक्शन ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि वेरिएशन इन बोथ, वेरिएशन किस में? टाइम वेरिंग वेरिएशन बना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑकर सिमल्टेनियसली, देयरफॉर दे अटेन देयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। कहने का मतलब है जिस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा होगा, उसी सेम टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन में भी मैक्सिमा ही बनेगा। जिस समय दोनों का मिनिमा होगा उस समय दोनों में मिनिमा बनेगा। द डायरेक्शन ऑफ, सेकंड क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर बने रहते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी आर रिलेटेड बाय ए रिलेशन। क्या रिलेशन है? सी, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। सी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। The amplitude of electric field and the amplitude of magnetic field is the ratio is equal to the c. C means the speed of light in vacuum, where E naught and B naught are the amplitude of the respective fields and c is the speed of light. Fourth property कह रही है आपके, the velocity of electromagnetic waves in free space. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्वल बनी रहती है, और इस स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है सी दिस इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट हम पढ़ चुके हैं और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री वैक्यूम, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री वैक्यूम। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जनरली फ्री स्पेस के लिए कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं। पांचवा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ए मटेरियल मीडियम इज रिप्रेजेंट बाय वी दिस इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ म्यू एम एप्सिलॉन एम। म्यू एन एप्सिलॉन एम या म्यू और एप्सिलॉन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेयर म्यू एंड एप्सिलॉन आर द एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। सिक्स्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे लाइट वेव्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ऑबे करती है। सेवन्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी
एनर्जी एंड दे प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को कैरी कर सकती है एंड प्रोपोगेट होती है किसमें? फ्री स्पेस। दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो एनर्जी है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइडेड रहती है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। एट प्रॉपर्टी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट प्लेसेस प्लेस्ड ऑन थियर पाथ। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर किया जा सकता है एनर्जी का और मोमेंटम का जिस वे में लाइट वेव्स इन चीजों को ट्रांसफर्स करती है। नाइन्थ फॉर डिस्कशन द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू इलेक्ट्रिक फील्ड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लाइट वेव्स। क्या कह रहे भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव बना रहता है, इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहते हैं कि लाइट में जो मैक्सिमम पार्ट फॉलो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। दसवां, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। क्या कह रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो फ्री स्पेस में भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव हो सकती है। लास्ट, एन आइसोलेटेड चार्ज विथ हैज नॉन जीरो एक्सेलेशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम कल भी पढ़ चुके थे कि जो एक्सेलेटेड चार्ज हैं या डायपोल्स हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तमाम टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे पहले जो हमने करा फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद जो हमारा जाता है स्पेक्ट्रम। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी वेव्स है जिनकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, उन सारी वेव्स को एक पर्टिकुलर फॉर्म में या पर्टिकुलर ऑर्डर में, किस ऑर्डर में? या तो वेवलेंथ के ऑर्डर में या फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो ये अरेंजमेंट ही क्या कहला रहा है? स्पेक्ट्रम कहला रहा है। देखें, जब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इसमें गामा रेस से लेकर रेडियो वेव्स तक की सभी वेव्स मौजूद हैं। रेडियो वेव जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा, गामा रेस जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा और रेडियो वेव जिनकी वेवलेंथ तो बहुत कम। इसका मतलब अगर हम इनको वेवलेंथ की फॉर्म में जमाएं तो मेनली तीन पार्ट बनते हैं। कौन कौन से? एक जिसे हम बोलते हैं विजिबल रेंज। विजिबल का मतलब दृश्य रेंज जो आंखों से दिखाई देती, ये रेंज होती है 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। इस विजिबल रेंज में वो सारी वेव्स आ जाती है जो हमें आंखों से दिखाई देती है। जनरली हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं जिस रेंज को बोलते हैं विबिक्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सारी कलर्स की वेव्स इसमें मिलती हैं। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की और सबसे कम वॉलेट की। अब इस रेड की वेवलेंथ से आगे आपके बन जाएगी इंफ्रारेड वेव्स और वॉलेट्स के इधर बन जाएगी सारी आपकी अल्ट्रा वॉलेट रेस। तो रेड की एक साइड सारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके इंफ्रारेड वेव्स और इस साइड जो आ जाएगी अल्ट्रा वॉलेट रेस, जिसमें मैक्सिमम हम गामा रेस तक जाएंगे या मिनिमम हम रेडियो वेव्स तक जाएंगे। ये ऑर्डर किस फॉर्म में है? ये ऑर्डर है आपके वेवलेंथ की फॉर्म में। हम एक एक रेज को उठाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अभी अभी हमने डेफिनेशन में देखा द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द रेंज वेरीज
इसमें जो वेवलेंथ की रेंज है वो मिनिमम 10^-12 मीटर टू 10^+4 मीटर, 10^-12 मीटर दिस इज गामा रेज रेंज एंड 10^+4 दिस इज रेडियो वेव रेंज। इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ की गामा रेज है तो सबसे हायर रेंज की रेडियो वेव्स भी मौजूद है। अगर इस वेवलेंथ रेंज को अरेंज किया जाए तो अभी भी मैंने आपको शॉर्टली बताया था हम बीच मिड पार्ट से चलते हैं जहाँ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर जो विजिबल पार्ट कहलाता है जिसमें विब ग्योर पढ़ा था हमने वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। ये वो पोर्शन है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। रेड के आगे चलें तो इंफ्रारेड और वायलेट से आगे चलें तो अल्ट्रा वायलेट रीजन है। इसका मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को तीन पार्ट में कवर्ड किया जा सकता है। मिड पार्ट इज ए विजिबल रेंज, आउटर पार्ट इज इंफ्रारेड रेंज और अल्ट्रा वायलेट रेंज। तो सबसे पहली हमारे आ जाती है रेडियो वेव्स। मेन हमें इन सभी वेव्स में क्या क्या देखना है, तीन पॉइंटों को कैरी करना है। पहला, रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ किस रेंज में है। दूसरा, प्रोड्यूस किससे होती है। तीसरा, इनकी यूजेस क्या है। ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा क्वेश्चन यूजेस पे बने। देखें तो फर्स्ट वेव्स की बात करें जिन्हें हम बात कर रहे हैं रेडियो वेव्स, क्या कह रहा है देखें, दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब रेडियो वेव्स एलसी सर्किट से बनती है। एलसी सर्किट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दीज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। द फ्रिक्वेंसी वेरीज फ्रॉम 500 kHz टू 1000 MHz। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन वेव्स की यूजेस है, यूजेस को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है। यूज ऑफ रेडियो वेव्स आर गिवन बिलो। कौन कौन सा, पहला, दीज आर यूज्ड इन एएम, जिसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रॉम, इसमें जो रेंज है 530 kHz टू 710 kHz। These are also used in ground wave propagation. इसका मतलब amplitude modulation waves जो है वो ground wave propagation में काम में ली जाती है। Second, these are used in TV waves. Television जो घर में देखते हैं उनमें receiver जिन waves को receive करता है, antenna से जो receive की जाती है वो कहलाती है TV waves, जिनकी range होती है 54 MHz टू 890 MHz। थर्ड आ जाती है, दीज आर यूज्ड इन एफएम, जो हम एफएम सुनते हैं आजकल हमारे घर इंस्ट्रूमेंट में, एफएम जिसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेंज बनी रहती 88 MHz टू 108 MHz। देन लास्ट यूएचएफ जिसे बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स आर यूज्ड इन सेलुलर फोन्स। सेलुलर फोन्स में जो आती है वो आपके रेडियो वेव्स काम में आती है, उनमें से भी कौन सा पार्ट, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूएचएफ वेव्स। ये बात थी रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स के बाद अगर हम आगे चलें तो सेकंड जो आ जाती है हमारे आ जाती है माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव ओवन में काम में ली जाती है। क्या कह रहा भाई, These waves are called short wavelength radio waves. ऐसी रेडियो वेव जिनकी wavelength short मानी गई, इन्हें हमने डाल दिया किसे, microwaves, which are produced by vacuum tube. किसमें प्रोड्यूस की जाती है, वैक्यूम ट्यूब में। Their frequency lies in range of 1 GHz to 300 GHz. यूज ऑफ माइक्रोवेव, सबसे पहले जानते हैं माइक्रोवेव जनरली माइक्रोवेव ओवन में काम में आएगी। देखें, यूज ऑफ माइक्रोवेव, पहला, दीज आर यूज इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट एरोप्लेन में जो रडार सिस्टम काम में आता है उनमें इन्हीं माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। सेकंड यूज माइक्रोवेव्स का, दीज आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में फूड पकाने के लिए जनरली जो वेव्स काम में ले जाती है वो माइक्रोवेव। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। क्या देखा हमने, दूसरा, दीज आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन
फॉर कुकिंग पर्पस. थर्ड, दीज आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. FCC, BCC आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वो सारे स्ट्रक्चर किसकी सहायता से चेक किए गए, माइक्रोवेव की सहायता से. तो थर्ड यूज क्या भाई, दीज आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, माइक्रोवेव. फोर्थ यूज आ जाता है, दीज आर यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल एक्सेट्रा. थर्ड, एम्पायर जब अपना डिसीजन देता है तो वहां बॉल की स्पीड जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस वेव्स की सहायता से मेजर की जाती है वो माइक्रोवेव्स कहलाती है. या आजकल आपने RTO की गाड़ी के साथ आपने देखा होगा, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है. इस व्हीकल की स्पीड को मेजर करने के लिए भी माइक्रोवेव्स काम में ली जाती है. तो मैंने जो आगे इसके यूजेस, पहला रेडार में, दूसरा माइक्रोवेव में, ओवन में, थर्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जानकारी में, फोर्थ स्पीड ऑफ व्हीकल या स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल मेजर करने. माइक्रोवेव्स की बात आ जाती है आपके इंफ्रारेड वेव्स. दीज वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हर्शल. इंफ्रारेड वेव्स को डिस्कवर्ड किसने किया था, हर्शल ने. दीज वेव्स आल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, इंपॉर्टेंट है. इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनके साथ से हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है. दीज वेव आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हीट रेडिएशंस बॉडीज और मॉलिक्यूल्स. हीट रेडिएशंस बॉडीज या मॉलिक्यूल जो है वो इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं. दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर. इट्स फ्रिक्वेंसी रेंज इज 3 × 10⁻¹ टू 4 × 10⁴¹ हर्ट्ज. यूज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. पहला, दीज आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी. फिजिकल थेरेपी में, क्योंकि हीट वेव्स है, हीट की सहायता से मसल्स के पेन को रिमूव किया जा सकता है, तो जो फिजिकल थेरेपी है उसमें इन यूज या इन इंफ्रारेड वेव्स को यूज किया जाता है. सेकंड, दीज आर यूज्ड इन सैटेलाइट फॉर आर्मी पर्पस. जो सैटेलाइट्स है उनमें आर्मी पर्पस यूज के लिए इन वेव्स का यूज किया जाता है. दीज आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग. आपके वेदर फोरकास्टिंग मींस आपको इसकी जलवायु की जानकारी के लिए या वेदर की जानकारी के लिए इन इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है. फोर्थ, दीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स. डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है. दीज आर यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल एंड कुकर्स. जो सोलर वाटर हीटर्स हैं या सोलर सेल्स हैं या कुकर है, इनमें इन वेव्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट आ जाती है आपके मिड पार्ट. अभी हमने एक पार्ट पढ़ लिया, कौन सा, इंफ्रारेड वेव पार्ट. अब आ जाता है आपके विजिबल रेज, जो आंखों से दिखाई देती है, जिन कलर्स को हम आंखों से देखकर महसूस कर सकते. इट इज द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल बाई ह्यूमन आइज एंड इट्स फ्रिक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 4 × 10⁻¹ टू 7 × 10⁻¹. यूजेज ऑफ विजिबल रेज आर क्या क्या है. विजिबल रेज आर यूज बाई ऑप्टिकल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर 3 प्राइमरी पर्पज गिवन बिलो. क्या कह रहे हो आप देखें, विजिबल रेज आर यूज बाय द ऑप्टिकल ऑर्गन्स. ऑप्टिकल ऑर्गन्स आईज ही तो होती है, ह्यूमंस में या चाहे एनिमल्स में लें, ह्यूमंस एंड एनिमल्स फॉर 3 प्राइमरी पर्पस. कौन कौन से पर्पस, पहला टू सी थिंग्स, किसी वस्तुओं को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए. अवॉइड बंपिंग फ्रॉम देम, एस्केप डेंजर. सेकेंड, टू फाइंड स्टफ to eat. Third, to find other living things
with which to concert so as prologue to species. Next आ जाता है third part, ultraviolet range. जिसे हम यूवी रेज भी कहते हैं. यूवी रेज की बात करें, दीज रेज वर डिस्कवर्ड बाय रिटस. ऊपर देखा था हमने, क्या देखा था, कि जो इंफ्रारेड वेव्स है वह तो हर्शल ने डिस्कवर्ड की थी और अल्ट्रावायलेट रेज रिटर ने. दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैंप and very hot bodies. The sun is an important source of UV rays. जो sun rays है उनमें UV rays मौजूद रहती है. But fortunately absorbed by ozone layer. But हम जानते हैं ozone का एक most important work है को ultraviolet rays जो harmful rays है उसे absorb कर लेती है. At an altitude 40 से 50 किलोमीटर height पर ये ओजोन लेयर दिखाई देती. इन फ्रीक्वेंसी रेंज इन फॉर्म ऑफ जो अल्ट्रावायलेट रेंज की फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज टू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज बनी रहती. अब देखें यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत सारी यूजेस हैं. पहला, दीज आर यूज्ड इन बर्गुलर अलार्म. जितने भी बर्गुलर अलार्म है उनमें इन वेव्स का यूज किया जाता है. कहाँ लगे रहते हैं ये सारे के सारे, ये लगे रहते हैं बैंकों में या जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं उन सभी में बर्गलर अलार्म लगे रहते हैं. बाई चांस कहीं आग लग जाए तो ये अलार्म बजर, ये अलार्म बजने लगते. सेकंड, दीज आर यूज्ड इन चेकिंग मिनरल सैंपल. जितने भी मिनरल वाटर या मिनरल सैंपल से उनको चेक करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज यूज की जाती है. These are used to study molecular structure. इसका मतलब infrared waves भी molecular structure के, microwaves भी molecular structure के लिए काम में आ रही है और ये आपके ultraviolet rays भी molecular structure की study के लिए काम में ले. Most important, आपने देखा होगा घरों में लगे हुए RO, जितने भी RO वहाँ एक आपने instrument लगा हुआ देखा होगा जिसपे लिखा रहता है UV. इसका मतलब वो ऐसा है जिसमें UV rays produce हो रही है, जिसमें से वाटर फ्लो होने पर वो वाटर में जितने भी जर्म्स हैं उन्हें किल कर देते. देखें, फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू किल द जर्म इन मिनरल्स. मिनरल्स में जितने भी जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज यूज आती है. फिफ्थ, टू स्टराइज लाइट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं किनको, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को. मींस एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन में उन इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए पहले उन्हें स्टरलाइज किया जाता है. तो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें स्टरलाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज यूज की जाती है. दीज रेज कैन बी फोक्स्ड इनटू वेरी नैरो बीम. इनको फोकस किया जा सकता है एक नैरो बीम की फॉर्म में. हाई प्रिसिशंस applications such as LASIK eyes surgery, जो laser eye surgery हम काम में लेते हैं, ये laser eye surgery में भी इन rays को बहुत ही narrow focus करके surgery में use किया जा सकता है. Next आ जाती है आपके X-rays. These rays were discovered by German professor Röntgen. इसमें एक्सरे की खोज किसने करी थी या डिस्कवर्ड किसने किया था, रोंटिजन. इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज टू 3 × 10⁻². हर्ट्ज यूजेज ऑफ एक्स रेज, दीज आर यूज्ड इन सर्जरी टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर, डिजीज ऑर्गन्स, स्टोन इन द बॉडी और किडनी एक्सेट्रा. हमने देखा जब भी हमारे को चोट लगती है एक्सरे लिया जाता है तो एक्सरे क्या करता है, हड्डी में होने वाले फ्रैक्चर को फाइंड आउट कर लेता है. तो देखने पहला यूज एक्सरेज का पहला यूज है, दीज आर यूज्ड इन सर्जरी टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर, डिजीज ऑर्गन्स, स्टोन्स इन बॉडी या किडनी एक्सेट्रा. सेकेंड, दीज आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू डिटेक्ट फॉल्ट,
क्रैक ऑन ब्रिज्स टेस्टिंग और वेल्ड्स। इंजीनियरिंग जितनी भी कंपनीज है उनमें फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज ही काम में ली जाती है। ब्रिज की क्रैकिंग, कहीं ब्रिज क्रैक हो गया तो उसे चेक करने के लिए भी एक्सरेज का ही यूज किया जाता है। टेस्टिंग और वेल्ड्स के लिए भी एक्सरेज ही यूज की जाती है। थर्ड, दीज आर यूज एट मेट्रो स्टेशन टू डिटेक्ट मेटल और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। क्या कह रहे हैं भाई? मेट्रो स्टेशन टू डिटेक्ट मेटल, किसी मेटल को डिटेक्ट करने में, या एक्सप्लोसिव मटेरियल्स RDX RDX इनको डिटेक्ट करने में एक्सरेज यूज की जाती है। दीज आर यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उनमें एक्सरेज का मैक्सिमम यूज किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट आ जाती है आपके, कौन सी? गामा रेज। दीज रेज वर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इसका मतलब गामा रेज का डिस्कवर्ड किसने किया? रदरफोर्ड। दे ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट एंड हैविंग हाई पेनिट्रेशन पावर। द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ गामा रेज इन बिटवीन 3×10⁻¹⁸ हर्ट्ज टू 5×10⁻²² हर्ट्ज। द यूजेज ऑफ गामा रेज, फर्स्ट, दीज आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो गामा पार्टिकल है या गामा रेज है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस जितनी भी है उनमें यूज की जाती है। सेकंड, दीज आर यूज्ड इन रेडियो थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर और कैंसर। ट्यूमर डिजीज या कैंसर डिजीज में, जो कैंसर का ट्यूमर है या कैंसर की जो भी ट्यूमर है उसे रेडियोथेरेपी द्वारा रिमूव किया जा सकता है। थर्ड, दीज आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज टू किल फोटोजेनिक माइक्रोगैनिज्म। फोर्थ, दीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेने के लिए गामा रेज यूज की जाती है। तो हमने एक एक रेज को उठा के देख लिया, हमने देख लिया किस प्रकार से किसने तो डिस्कवर्ड किए है, इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ रेंज क्या है। मेन इंपॉर्टेंट जो है इसका जो पार्ट है वो यूजेज ऑफ रेज है जो हमने पढ़ लिए। इसका मतलब हम चाहें तो इसे एक छोटे से टेबल स्ट्रक्चर में पढ़ सकते हैं। तो पहली पढ़ी हमने रेडियो वेव्स, बेसिक सोर्स कौन से, ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मेथड ऑफ प्रोडक्शन किससे बनती है बताया था, अभी बताया था मैंने ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहाँ होते हैं, LC सर्किट से। डिटेक्शन, डिटेक्ट किससे की जाती है, टेलीस्कोपिक और डायोड से। नेक्स्ट, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। हमने इसका एक समरी बना ली जिससे कि इसे याद किया जा सकता है। तो इस जगह हमारा ये चैप्टर द एंड हो जाता है जो हमारा एक्टिव चल रहा था, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर, नई यूनिट का कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।